क्या तुम सोचते हो जब जब सुबह सूरज उगता है तो लाखों पेड़ों पर काम शुरू कर देता है, हर फूल के पास जाता है, उसे खिलने के लिए मनाता है? नहीं, सूरज को शायद इसका भान भी नहीं, लेकिन पेड़ बढ़ते हैं, कलियां खिलती हैं, फूल अपनी खुशबू फैलाना शुरू कर देते हैं, पक्षी गाना शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया जाग उठती है। सूरज कैसे कार्य करता है? क्या सूरज एक करता है? नहीं, उसकी मौजूदगी काफ़ी होती है और काम होना शुरू हो जाता है। सूरज के इस होने को कैटलिस्ट एजेंट कहते हैं। सूरज कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी से सब होता है। एक गुरु भी कैटलिस्ट एजेंट की तरह होता है। उसके पास होने का आभास कि शिष्य खिलना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं और पानी बनता है, लेकिन बिजली केवल एक कैटलिस्ट एजेंट के रूप में आवश्यक है। यदि बिजली उपस्थित नहीं है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते नहीं हैं। उपस्थिति के बिना ये घटना नहीं होती और बिजली इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं होती। ये केवल वहाँ रहती है। कैटलिस्ट एजेंट एक वैज्ञानिक शब्द है, लेकिन ये सुंदर है। एक गुरु बस एक उपस्थिति है, एक कैटलिस्ट प्रेजेंस, जैसे एक बादल जो तुम्हें घेर लेता है। यदि तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो वह तुम्हारे होने के सबसे गहरे कोर में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु प्रवेश करते हैं, तुम बस स्वीकार करते हो, ये हो जाता है। और उस क्षण में जब शिष्य स्वीकार करता है और गुरु उपस्थित होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन, इसे एल्केमिकल उत्परिवर्तन कहना बेहतर होगा, शिष्य भी मिटना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे गुरु मिट चुका है, अहंकार अब वहाँ नहीं रहता। गुरु का जीवन में होना एक अपूर्व घटना है। धन्यभागी हैं वो जिनके हृदय में गुरु बसे हैं। प्रणाम।